हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, आज हम कान्हा जी के लिए जंपसूट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं कान्हा जी के लिए ग्रीन कलर की पैंट बनाऊंगी पहले जंपसूट के लिए। तो जिसके लिए मैं यहाँ पर 20 चेन लूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम कान्हा जी के लिए पैंट बना लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले मैं 20 चेन बनाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं ये जंपसूट बना रही हूँ, ये 2 नंबर के कान्हा जी के लिए बना रही हूँ। मेरे कान्हा जी का साइज 2 है। अगर आपके कान्हा जी का साइज बड़ा है तो आप चेन की संख्या बढ़ा लें, और अगर आपके कान्हा जी का साइज छोटा है तो आप चेन की संख्या घटा लें। तो इस तरह से कान्हा जी के साइज के अकॉर्डिंग हम कान्हा जी के लिए जंपसूट बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये जंपसूट बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत इजीली बन जाता है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और देखने में भी ये पहनाने के बाद बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर कान्हा जी का जंपसूट बनाने के लिए मैंने डबल कलर की वूल का इस्तेमाल किया है। ये ग्रीन कलर की मैं पैंट बनाने वाली हूँ और येलो कलर की शर्ट बनाऊंगी। तो इस तरह से हम बहुत ही सुंदर जंपसूट बनाने वाले हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने चेन कंप्लीट कर ली है। ये हमारी चेन कंप्लीट हो गई है। तो अब हम चेन को जोड़ लेंगे, मतलब सर्कल की तरह बना लेंगे इसको। तो इस तरह से हमने स्टिच लगाते हुए चेन को जोड़ लिया है। अब हम 3 चेन एक्स्ट्रा बनाते हुए आगे की बुनाई शुरू करेंगे। एक छोड़ के अगली चेन से बुनना शुरू कर देंगे हम। यहाँ पर हमें फंदे घटाने या बढ़ाने नहीं है, बुनाई हमें चेन के ऊपर ही करनी है, यानी एक चेन से एक बुनाई करनी है। एक चेन से एक बार क्रोशिया निकालना है। इस तरह से हमारे जो हमने 20 फंदे लिए हैं, 20 चेन जो हमने ली है, वो 20 ही रहेंगी। हम ये काउंट कर लेंगे, ये कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे। ये हमने एक रो पूरी बुन ली है, एक लाइन बुन ली है हमने। अब हम धागा काट देंगे। ये इस तरह से हमने धागा काट दिया है। अब फ्रेंड्स, हम इसका मिड पॉइंट ले लेंगे, यानी कि चेन 10 चेन इधर और 10 चेन इधर लेके मिड पॉइंट से हम क्रोशिया निकाल के फंदा जोड़ लेंगे। यहाँ पर हम क्रोशिया जोड़ लेंगे और इस तरह से हम पैंट बनाएंगे। अब हम एक तरफ की पैंट बनाएंगे, ये 3 चेन निकाल के, और फिर हमने बनाना स्टार्ट कर दिया है। और जो ये धागा हमने जोड़ा था, इसको हम साथ में ही दबाते हुए चले जाएंगे। ये इस तरह से हम क्रोशिया के बीच में दबाते हुए चले जाएंगे, बुनाई के बीच में इसको। तो देखिए, इस तरह से हम बुनाई करेंगे। यहाँ पर भी हमें चेन के ऊपर चेन, मतलब क्रोशिया निकालना है, कि एक चेन से एक बार क्रोशिया निकालना है। यानी ना तो हमें कम करने हैं ना तो हमें ज़्यादा करने हैं। ये जो हमारे 10 फंदे हैं, ये 10 ही रहेंगे। इसको हम बुनाई करते चले जाएंगे और जितनी लंबी हमें पैंट बनानी है उसके अकॉर्डिंग हम बुनाई कर लेंगे। यहाँ पर मुझे इतना ही साइज चाहिए है, तो यहाँ से मैं धागा कट कर दूंगी और इसको मैं अंदर की तरफ, जो कटिंग का जो धागा है उसे मैं अंदर की तरफ ले लूंगी, ताकि देखने में अच्छा लगे, फिनिशिंग अच्छी आ जाए। तो देखिए, इस तरह से एक पैर का बना लिया है मैंने पैंट। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से सेम जॉइंट करके यहाँ पे और बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से हमारी पैंट बन जाएगी। अब हम इसके ऊपर का हिस्सा बनाएंगे। तो ऊपर का हिस्सा बनाने के लिए यहाँ पर हमने बीच से लिया है सामने से, और ये हम 5 फंदे ले लेंगे। यहाँ से 5 फंदे लेंगे हम, और ये जो एक्स्ट्रा धागा बचा हुआ है इसको बुनाई में ले लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें बुनाई करनी है, ये डबल क्रोशिए से करनी है, यानी कि हम 3 से सीधा 1 करेंगे। यहाँ से धागा फिराते हुए हम क्रोशिए को निकालते हुए ले जाएंगे और सीधा 3 से 1 फंदा निकाल लेंगे। यानी कि हमें क्रोशिए को 2 बार नहीं निकालना है, हम एक ही बार में निकाल लेंगे। और ये हम यहाँ पर 5 फंदों की बुनाई करेंगे। तो इस तरह से हम बुनते चले जाएंगे, जितना भी हमें साइज चाहिए होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये 4 बार बुनाई कर ली है, 4 लाइन की। अब हम पीछे की तरफ डोरी बनाएंगे। तो जो डोरी बनाएंगे वो हम 2-2 फंदों की बनाएंगे, बहुत ज़्यादा चौड़ी जो डोरी नहीं बनाएंगे हम यहाँ पर। तो उसके लिए सिर्फ हम 2 फंदे लेंगे और 2 फंदे की हम डोरी बनाएंगे, और डोरी की लंबाई हम अपने जंपसूट के अकॉर्डिंग ले लेंगे, अपने कान्हा जी के अकॉर्डिंग। बहुत ज़्यादा लंबी या छोटी नहीं लेनी है हमें।
एक बार हम माप के भी देख लेंगे कान्हा जी को पहना के, जितनी लंबी डोरी हमें चाहिए होगी उतनी लंबी ले लेंगे। और इस तरह से हमने एक डोरी बना ली है, अभी हम दूसरी भी बना लेंगे। ये हम बेल्ट टाइप में बना लेंगे। और अभी हमने जो ये डोरियां बनाई हैं, इसके आगे जो धागा छोड़ा है हमने थोड़ा लंबा, वहां पर हम ये बटन लगाएंगे। बटन के लिए मैंने गोल्डन कलर के बीड्स का इस्तेमाल किया है। देखिए इस तरह से मोती लिया है मैंने गोल्डन कलर का, तो इस तरह से इसी धागे से हम इसकी सिलाई कर देंगे और ये इस तरह से बंद हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए ये ऐसे बहुत सुंदर लगेगा और इस तरह से बंद हो जाएगा। ऐसे ही हम दोनों को बनाएंगे, दोनों तरफ हम ऐसे ही मोती लगा लेंगे और ये इस तरह से हमारी पैंट तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम बनाएंगे शर्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम शर्ट बनाने के लिए सबसे पहले चेन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चेन बनानी शुरू कर दी है हमने। यहाँ पर हम 10 चेन बना लेंगे। और 3 चेन हम एक्स्ट्रा बनाएंगे जो बुनाई के लिए बनाते हैं। इसके बाद हम बुनना शुरू कर देंगे। इस तरह से फ्रेंड्स हम बुनना शुरू कर देंगे। तो जो पहली लाइन की बुनाई करेंगे वो हम एक चेन में से एक बार ही करेंगे। और इसके बाद जो बुनाई करनी है हमें, ये हम पहली बुनाई हमने कर ली है, अब 3 चेन निकाल के फिर हम बुनाई शुरू कर देंगे। और अब जो बुनाई हम करेंगे वो एक चेन में से 2 बार बुनाई करेंगे हम। यहाँ पर हम फंदे बढ़ा देंगे, एक चेन में से 2 बार बुनाई करेंगे। तो ये हमारे जो 10 चेन थी हमारी, इसमें से हमने अब ये 20 बार बुनाई कर ली है, यानी अब यहाँ पर 20 चेन आ गई हैं। अब हम दूसरी अगली बुनाई शुरू करते हैं। तो इसमें हमने पहली बुनाई ली, तो इस फंदे में से हम 2 बार लेंगे इस चेन में से, और अगली चेन में से 1 बार लेंगे, फिर 2 बार लेंगे, मतलब एक छोड़कर एक। इसके बाद हम ये 4 फंदे छोड़ देंगे और उसके बाद बुनाई करेंगे। तो ये हमने बुनाई कर ली है बाजुओं की। तो इसके बाद फिर हम वही एक फंदे को एक बार बनाएंगे और अगले फंदे को 2 बार बनाएंगे, फिर एक फंदे को एक बार बनाएंगे, फिर अगले फंदे को 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हम 8 बुनाई करेंगे। और उसके बाद हम फिर क्या करेंगे कि एक चेन बनाते हुए बीच में 4 छोड़कर फिर आगे 4 बुनाई करेंगे। देखिए ये एक चेन बना लेंगे हम, ये हम एक चेन बनाएंगे, उसके बाद ये 4 छोड़ देंगे, उसके बाद हम 4 छोड़ने के बाद हम बुनाई करेंगे। एक बार बुन लिया यहाँ पर हमने, अब अगले फंदे से 2 बार बुनेंगे हम, ये अगली वाली चेन से हम 2 बार बुनेंगे और इसके बाद हम 1 बार बुनेंगे। तो ये 4 इधर हो जाएंगे, 4 उधर हो जाएंगे, और 4-4 हमने बीच में छोड़ दिए हैं ये बाजुओं के लिए, और 8 जो है वो हमारे बीच में रह गए हैं जो पीछे का हिस्सा होगा। तो इस तरह से ये हमारी शर्ट बनेगी। अब शर्ट का साइज हम बढ़ा लेंगे, आगे जितना भी साइज आपको बढ़ाना है आप वो उस तरह से बढ़ा लें। तो इस तरह से हम बढ़ाते चले जाएंगे, लेकिन आगे हमें घेरा बढ़ाना नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर फ्रॉक टाइप में नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हमें शर्ट बनानी है, तो आगे हम घेरे को बढ़ाएंगे नहीं। तो देखिए इस तरह से ये हमारी शर्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसकी बाजू बनाएंगे। तो बाजू बनाने के लिए हम यहां से ज्वाइंट करेंगे पहले धागा, और इस तरह से फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं बाजू थोड़ी खुली बनाऊंगी, तो जहां से हम स्टार्ट करेंगे वहां पर हम एक चेन से 2 बार लेंगे। ऐसा सिर्फ हम 2 या 3 बार ही करेंगे, जितना साइज आपको चाहिए उस हिसाब से। यहाँ पर बाजू पहनाने में दिक्कत ना हो क्योंकि खुली बाजू आसानी से पहनाई जाती है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी खुली बनाऊंगी। तो ये 2 या 3 बार में 2-2 एक चेन में से 2-2 बार लूंगी, उसके बाद सिंगल सिंगल लूंगी। ऐसा बस मैं यहाँ पर स्टार्टिंग में और जो लास्ट में जब ये ज्वाइंट करना है तब करूंगी। बीच के जो भी चेन रहेंगी बीच की, वो मैं एक चेन से 1 बार ही बुनाई करूंगी। तो देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे।
तो इससे हमारी बाजू थोड़ी सी खुली हो जाएगी, जो कि हमें पहनाने में आसानी रहेगी। और इसी तरह से जैसे शुरू में मैंने दो चेन में दो बार लिया था, इसी तरह से लास्ट वाली भी जो दो चेन होंगी उनमें से मैं दो दो बार लूंगी और बाद में ज्वाइंट कर दूंगी। इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से मैं एक लाइन और बना लूंगी, लेकिन जो एक लाइन और बनानी है मुझे, उसमें मुझे बढ़ाने या घटाने नहीं है, वो मैं सीधी सीधी बनाऊंगी। उसमें मैं किसी भी चेन में से दो बार नहीं लूंगी, दो बार बुनाई नहीं करूंगी किसी भी चेन में। तो इस तरह से मैं अपनी बाजू की बुनाई कर लूंगी। देखिए इस तरह से बाजू बन जाएगी। और ठीक इसी तरह से दूसरी बाजू भी बना लेंगे हम। तो दूसरी बाजू बनाने के लिए भी हम ये बिल्कुल बीच से ज्वाइंट करेंगे दूसरा धागा और बाजू बना लेंगे। तो इस तरह से हमारी शर्ट भी बन जाएगी। देखिए कितनी क्यूट सी शर्ट बन गई है ये। और ये मैं आपको दिखाती हूँ ये सेट कैसे बनेगा। यहाँ पर मैं एक मैचिंग का बटन लगा दूंगी। अगर आपके पास कोई कुछ और भी है डिजाइन के लिए तो वो आप वो लगा सकते हैं, स्टिकर वगैरह। मेरे पास ये बटन है तो मैं ये लगा दूंगी। और देखिए इस तरह से हम शर्ट के ऊपर से ये कान्हा जी को पहना देंगे। ये इस तरह से ये जो मोती है ये बटन के ऊपर इस तरह से बंद हो जाएंगे और इस तरह से हमारा जंपसूट बन जाएगा। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट, और पहनाने में भी बहुत आसान है क्योंकि ओपन हो जाता है ऊपर से, तो बहुत आसानी से आप ये अपने कान्हा जी को पहना लेंगे और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर लगेगा और बनाने में भी बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।